बिस्मिल्लाहन रहीम असल डियर स्टूडेंट्स माई अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज वेरिएशंस बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स रेशो की डेफिनेशन समझते हैं a relation between the two quantities of same kind सेम काइंड का मीनिंग है कि दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में मैयर किया जाना चाहिए मैय इन सेम यूनिट अ रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड मैयड इन सेम यूनिट Is called ratio. If A and B are two quantities. Of same kind and B is not zero, then ratio of

इसका मतलब है कि ए रेशियो बी को हम एवर बी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन ए रेशियो बी एज कॉल्ड एंटीसीडेंट

अब प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इस कॉल्ड प्रपोर्शन इफ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल देन ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी ये प्रपोर्शन का सिंबल है अब इसमें ए और डी जो फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी है ये एक्सट्रीम्स कहलाती हैं और मिडल वाली दो जो क्वांटिटीज हैं बी और सी ये मीम्स कहलाती हैं अब इस ए रेशो बी को ओवर बी भी लिख सकते हैं ओवर तो बी और चूंकि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन तो इस प्रपोर्शन के सिंबल की जगह हम इज इक्वल का साइन लगा सकते हैं सी ओवर डी अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा ए डी से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डी इज इक्वल टू बी सी अब ए डी एक्सट्रीम क्वांटिटीज हैं और बी सी मीन क्वांटिटीज हैं तो इससे ये साबित हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो ये स्टूडेंट्स लॉ आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं एक्सट्रीम क्वांटिटीज की प्रोडक्ट इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन क्वांटिटीज के जी स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है express the following as a ratio a ratio b and as a fraction in its simplest lowest form third or fourth part main kar raha hu third part karte hain pehle do quantities hain given hai ek 4 kg aur second quantity hai 2 kg 750 grams अब दोनों का unit same नहीं है. तो सबसे पहले तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को लेट करेंगे ए और बी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने एक्सप्रेस करना है ए रेशियो बी की फॉर्म में तो ए और बी लेट करने के बाद इन दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम करेंगे लेट ए इज इक्वल टू फोर के जी एंड बी इज इक्वल टू टू के जी सेवन फिफ्टी ग्राम्स अब पहले फोर के जी को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना आसान है ग्राम्स को किलोग्राम्स में करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा तो फिर सॉल्व करने में मुश्किल होगी तो ए इज इक्वल टू फोर के जी अब वन के जी में थाउजेंड ग्राम होते हैं तो फोर को थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू ग्राम्स में आ गई तो एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर थाउजेंड ग्राम्स इसी तरह जो बी क्वांटिटी है टू के जी सेवन फिफ्टी ग्राम्स इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे सेवन फिफ्टी ऑलरेडी ग्राम्स में है टू के को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 750 फिफ्टी करेंगे तो ये टोटल वैल्यू ग्राम्स में आ जाएगी टू को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करें तो टू थाउजेंड आ गया टू थाउजेंड में 750 फिफ्टी कर दें तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2750 थाउजेंड ग्राम्स बी की वैल्यू आ गई अब ए रेशो बी फाइंड करेंगे ए क्वांटिटी हमारे पास है फोर थाउजेंड रेशो बी क्वांटिटी है टू थाउजेंड सेवन फिफ्टी अब इस रेशो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं फोर थाउजेंड ओवर टू थाउजेंड सेवन फिफ्टी अब इसकी कटिंग हो जाएगी ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा फाइव के टेबल में कटिंग हो रही है फाइव एट ज़ार फोर्टी फाइव ज़ीरो फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव टू कैरी हुआ फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव फिर फाइव के टेबल में कटिंग हो जाएगी फाइव सिक्सटीन जार एटी एंड फाइव इलेवन जार फिफ्टी फाइव तो हमारे पास ए रेशियो बी इज इक्वल टू सिक्सटीन रेशियो इलेवन आ जाएगा और इसको हमने फ्रैक्शन में भी लिखना है तो फ्रैक्शन में एवर बी इज इक्वल टू सिक्सटीन ओवर इलेवन ये इसका आंसर होगा अब फोर्थ पार्ट ट्वेंटी सेवन मिनट थर्टी सेकेंड इसको लेट कर लेंगे ए के इक्वल लेट ए इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन मिनट थर्टी सेकेंड्स

तो मिनट्स सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें प्लस थर्टी कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास टोटल सेकंड्स में आ जाएगी एंड बी इक्वल टू वन आर है आर्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे पहले आर्स मिनट्स में कन्वर्ट होंगे वन आर में सिक्सटी मिनट्स होते हैं तो वन मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी किया तो सिक्सटी मिनट्स हो गए फिर 60 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी सेकंड्स में आ जाएगी अब ये सिंप्लीफाई करेंगे 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 20 आ गया प्लस 30 किया तो ए क्वांटिटी हमारे पास आ गई 16 50 सेकंड्स। एंड बी इक्वल टू सिक्सटी को सिक्सटी से मल्टीप्लाई करें तो थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स अब दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो गया अब हम इसको ए रेशो बी की फॉर्म में लिखेंगे और फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सिक्सटीन फिफ्टी रेशो थर्टी सिक्स हंड्रेड अब 1650 फिफ्टी रेशो थर्टी को फ्रैक्शन में लिख के सिम्प्लीफाई करेंगे 1650 फिफ्टी ओवर थर्टी ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा 165 की फ़ाइव के टेबल में कटिंग हो जाएगी 165 को फाइव पे डिवाइड करें तो रिज़ल्ट 33 आएगा और 360 को फाइव पे डिवाइड करें तो रिज़ल्ट 72 आएगा अब थ्री के टेबल में इसकी मजीद कटिंग हो रही है थ्री इलेवन जार थर्टी थ्री थ्री ट्वेंटी फोर जार सेवेंटी टू तो यहाँ से हमारे पास ए रेशियो बी की वैल्यू आ जाएगी इलेवन रेशियो ट्वेंटी फोर और इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ए ओवर बी इज इक्वल टू इलेवन ओवर ट्वेंटी फोर तो ये स्टूडेंट्स मेथड है कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन हो उन क्वांटिटीज को रेशियो और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का ये पार्ट्स मैंने वो सॉल्व करवाए हैं जिनमें यूनिट सेम नहीं है जिनमें यूनिट सेम है उनमें आप सिंपली ए और बी लेट करके ए रेशियो बी और ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं इन अ क्लास ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट्स ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स और सेकेंड पार्ट है बॉयज टू गर्ल्स अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है सिक्सटी नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है ट्वेंटी फाइव रिमेनिंग स्टूडेंट्स बॉयज हैं तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे सिक्सटी में से ट्वेंटी फाइव को माइनस कर देंगे तो ये थर्टी फाइव आ जाएगा अब पार्ट वन में हमने बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड करनी है बॉयज रेशो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज थर्टी फाइव है रेशो टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं अब 35 फाइव रेशो सिक्सटी को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको हम 35 फाइव ओवर सिक्सटी लिखेंगे अब इसकी कटिंग हो जाएगी फाइव सेवन जार थर्टी फाइव फाइव ट्वेल्व जार सिक्सटी तो बॉयज रेशो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास रेशो निकल आई सेवन रेशो ट्वेल्व सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट में बॉयज टू गर्ल्स की रेशो फाइंड करेंगे बॉयज रेशो गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज थर्टी फाइव है रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स ट्वेंटी फाइव है अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रैक्शन में लिखेंगे थर्टी फाइव ओवर ट्वेंटी फाइव फाइव के टेबल में कटिंग हो जाएगी फाइव सेवन दार थर्टी फाइव 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 दार ट्वेंटी फाइव तो बॉयज रेशो गर्ल्स हमारे पास आ जाएगी सेवन रेशो फाइव क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करते हैं इफ थ्री इंटू फोर एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सेवन वाई फाइंड द रेशो एक्स रेशो वाई अब जो इक्वेशन हमें गिवन है ये इक्वेशन लिख लेंगे थ्री इंटू फोर एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सेवन वाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं थ्री फोर जार ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री फाइव जार फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस सेवन वाई अब चूंकि हमने x रेशियो y फाइंड करनी है तो x की टर्म्स लेफ्ट साइड पे इकट्ठी कर लेंगे और y की टर्म्स को राइट right साइड पे इकट्ठा कर लेंगे तो 12x ये प्लस टू एक्स लेफ्ट साइड पे आके माइनस टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस सेवन वाई माइनस फिफ्टीन वाई राइट साइड पे जाके प्लस फिफ्टीन वाई हो जाएगा 12x एक्स माइनस टू एक्स टेन एक्स आ जाएगा माइनस सेवन वाई प्लस फिफ्टीन वाई एट वाई आ जाएगा अब एक्स रेशियो वाई फाइंड करने के लिए एक्स के डिनोमिनेटर में वाई को ले आएंगे और टेन एट के साथ डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा और टेन राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एट ओवर टेन अब इसकी कटिंग हो जाएगी टू फोर जार एट टू फाइव जार टेन तो एक्स रेशो वाई हमारे पास आ जाएगी फोर रेशो फाइव तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्स रेशो वाई ही यहां पे फाइंड करनी थी जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं इफ द रेशो थ्री एक्स प्लस वन रेशियो सिक्स प्लस फोर एक्स एंड टू रेशियो फाइव आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि थ्री एक्स प्लस वन रेशो सिक्स प्लस फोर एक्स इक्वल है टू रेशो फाइव के अब अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा जो फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी होती है ये एक्सट्रीम्स कहलाती हैं और मिडल वाली दोनों क्वांटिटीज मीन्स कहलाती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने यहां पे किया दूसरा मेथड ये है कि आप इसको भी फ्रैक्शन में लिखें राइट साइड को भी फ्रैक्शन में लिखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट यही आएगा जो अभी हम फाइंड कर रहे हैं अब एक्सट्रीम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें थ्री एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होगा फाइव से इज इक्वल टू मीन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें टू इंटू सिक्स प्लस फोर एक्स अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव थ्री फिफ्टीन एक्स प्लस फाइव वन जार फाइव इज इक्वल टू टू सिक्स प्लस टू फोर जार एट एक्स अब चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एट एक्स को लेफ्ट साइड पे ले फिफ्टीन एक्स माइनस एट एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव राइट साइड पे चला जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा फिफ्टीन माइनस एट करें तो सेवन एक्स आ गया रिजल्ट इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव करें तो रिजल्ट सेवन आता है सेवन राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर तो X की वैल्यू हमारे पास आ गई वन तो एक्स की वैल्यू ही यहां पे हमने फाइंड करनी थी तो जो हमने फाइंड कर ली तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट फाइव क्वेश्चन सॉल्व किए जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क ख़ुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़